जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत पाई तिन जैसे। अर्थात जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की भावना होती है उसे ईश्वर उसी रूप में प्राप्त होते हैं। हम जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में अग्रसर हो चुका है, जो भी ईश्वर के करीब अपने आप को महसूस करता है, उसे ये जानने की हमेशा इच्छा बनी रहती है कि हम अपने भगवान को इतना याद करते हैं, हम अपने भगवान को इतना प्यार करते हैं, क्या भगवान भी हमें उतना ही चाहते हैं, क्या हम ईश्वर के उतने करीब पहुंच चुके हैं। ये विषय हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ चले हैं और जो ईश्वर की भक्ति को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। उन्हें पल पल ये जानने की इच्छा बनी रहती है कि हम कैसे जाने कि ईश्वर हमारे कितने करीब हैं, क्योंकि साधना काल में उन्हें तरह तरह की जो अनुभूतियाँ होती हैं, अनेक प्रकार के उन्हें लक्षण से महसूस होते हैं, वो उन्हें समझने का हर संभव प्रयास करते हैं कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा हुआ है और साधना में उसका मन अगर लगता है तो उसे कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ जरूर होती हैं, और वो अनुभूतियाँ होती ही इतनी अलग हैं कि एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता, और उसके अंदर एक प्रकार की जिज्ञासा से उत्पन्न होने लगती है कि हम ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इसे कैसे जाने, और वो तरह तरह के प्रयास करता है उसे जानने के लिए। उसी में से उसके मन में ये जो मैंने आपसे पूछा कि हम कैसे जाने कि ईश्वर हमारे कितने करीब हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो भक्ति मार्ग पर बढ़ चला है। भक्ति मार्ग है ही इतना आकर्षक कि जो एक बार इसके आकर्षण में बन जाए वो चाह कर भी इसे छोड़ नहीं सकता। वैसे भी भगवान अपने भक्तों को कभी भी मझधार में नहीं छोड़ते, वो अपने भक्तों को हर प्रकार से प्यार करते हैं, चाहे भक्त केवल उनके हाथ ही जोड़ता हो या केवल उनका नाम ही सिमरन करता हो। लेकिन भक्तों को तो ये जानने की इच्छा बनी ही रहती है। उसी से संबंधित आज मैं कुछ लक्षणों को आपको बताने जा रही हूँ, कुछ अनुभूतियों को आपसे बताने जा रही हूँ कि जिससे आपको ये पता चलेगा, या जिस अगर ये अनुभूतियाँ आपके साथ होती हैं तो उनसे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके साथ ईश्वर हैं। वैसे तो ईश्वर सबके साथ होते हैं, लेकिन फिर भी ये अनुभूतियाँ आपको बहुत कुछ जानने में सरलता प्रदान करेंगी। जैसे सबसे पहले कि अगर पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ है। परंतु ये सबके साथ नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति जो पूजा करता है उसकी आंखों में आंसू आ जाए ये संभव नहीं है। ये बड़ा ही एक जिज्ञासा वाला विषय है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं, उसे आप हमारे अगले वीडियो में जान सकेंगे। लेकिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि अगर हम साधना करने बैठते हैं, अगर हमारा मन थोड़ा भी साधना में लगता है और हम जैसे ही भगवान का सुमिरन करना शुरू करते हैं, जैसे ही किसी भजन को सुनते हैं, तो पता नहीं कहाँ से हमारे मन में एक अलग तरीके की जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है, एक अलग तरीके का खिंचाव सा महसूस होता है अपने ईश्वर के प्रति, और हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता हो कि कोई ना कोई आपके साथ हमेशा है, आपको ऐसा एहसास होने लगे कि कोई शक्ति है जो आपके साथ है, कोई ना कोई तो है, कोई आपके पीछे चल रहा है, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है, किसी का स्पर्श आपको महसूस हो सकता है, उसका हाथ आपके सर पे महसूस हो सकता है। ये भी ईश्वर के साथ होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा, अगर आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं और उसका हल तुरंत ही निकल आए तो भी आप समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, कि क्योंकि
भगवान अपने भक्त को कभी भी किसी परेशानी में पड़े नहीं रहने देता, और जैसे ही कोई भक्त परेशानी में पड़ता है और अपने प्रभु को याद करता है, ईश्वर उसकी समस्या का समाधान तुरंत ही कर देते हैं। चौथा, आपको जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं या आप कोई कार्य करने लगते हैं तो आपको सही गलत का एहसास होने लगता है। ये सही गलत का एहसास होना भी उन्हीं लक्षणों में से एक है। मान लीजिए आप किसी के व्यापार को शुरू करने जा रहे हैं या आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है कि मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा, और उसका उत्तर आपको तुरंत मिलने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं होते, हमारी आत्मा में होते हैं, बस उसे पहचानने की देरी होती है। और जब हम भक्ति मार्ग में आगे की ओर बढ़े हुए होते हैं और हमारा मन उनमें रमने लगता है तो हमें इस चीज़ का एहसास होने लगता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है और इसमें तनिक भी संदेह ना कीजिए, कि आपको ज़रूर महसूस होता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको सुनना या ना सुनना ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन भगवान आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर कराते हैं। पांचवा, आपके विश्वास में अचानक से बल आ जाना, ये भी एक प्रकार से ईश्वर के साथ होने का एहसास है। इस समय की जो परिस्थिति चल रही है, इस समय जो एक महामारी हमारे बीच में चल रही है कोरोना नाम की, उसमें आपने देखा होगा कि जो बाहर के जितने भी देश हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा संक्रमित हैं और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, परंतु अपने भारत में ऐसा क्या है कि संक्रमित तो हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे यहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है और रिकवरी रेट भी हमारा बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारा ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था है कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमें इस बीमारी से लड़ने का एक साहस जो मिल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना किसी के मतलब ये इसको बिल्कुल गलत उसमें मत लीजिए कि आप बिल्कुल भी सावधानी बरतना छोड़ दीजिए, आप मास्क लगाना बंद कर दीजिए, आप जो सरकार द्वारा नियम कानून जो हमें समझाए जा रहे हैं आप उसका पालन ना करें और सोचें कि भगवान हमें आकर बचाएगा, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि कुएं में कूदना अच्छी बात नहीं होती है, कि ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको कोई बचा ही ले। भगवान पे भरोसा रखिए और यही आस्था आपको इस परिस्थिति से लड़ने की, एक भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर ये बनी रहेगी, परंतु सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको साधना काल में कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं तो उस माया में मत फंसिए, क्योंकि ये सब ईश्वर की परीक्षा का माया जाल होता है। वो पल पल ये निरीक्षण करता है कि कहीं हम किसी लालच में तो नहीं फंस रहे हैं। हमारे साथ जो जो अनुभूतियाँ होने लगती हैं वो इतनी आनंददायक होती हैं कि जब वो हमारे साथ घटित होती हैं तो हमें एक अजीब तरीके का नशा सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हो सकता है हमारा सर घूमने लगे या अलग अलग तरीके सा हमें महसूस होता है। उसे जानने के लिए अगर आपको ये सब जानना हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर भी हम अपना एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ज़रूर इस चीज़ को अब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इन अनुभूतियों को अनदेखा करके हमें अपना अंतिम लक्ष्य जो है वो अपने भगवान को पाना होना चाहिए, ना कि ये अनुभूतियाँ। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आ रही हों तो इस वीडियो को आगे से आगे आप इसको शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ईश्वर से जुड़े हुए हैं और उनके मन में इस प्रकार की इच्छा है जानने की, तो वो इसे जाने और इसको समझेंगे तो उन्हें अपनी पूजा पाठ में और ज़्यादा मन लगेगा और ज़्यादा वो ईश्वर के करीब होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।